चल छोकरे आ जा चल पैसू अड्डे 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 बॉय हाथ पीछे लेना जरा हां बस अड्डे बॉय एक नंबर हैप्पी वाला बर्थडे मेरा भाई सजू भाई हां हैप्पी बर्थडे भाई तबीयत कैसी है अभी भाई इधर देखो ना राइट भाई एकदम कड़क भाई इधर राइट देखो ना राइट भाई आगे भाई सामने देख भाई यहां पे सामने भाई सेंटर भाई यहां देखो के साथ चश्मे डाल नहीं नहीं चश्मे मजा नहीं यार भाई भाई नहीं नहीं अरे एक दोनों दे दो चलो भाई रहने दो दोनों 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 आज बर्थडे दोनों ने ले लागन ऐसा लगा के चश्मे सुबह कह रहा फ्यूचर सलमान खान सर यहां पे नहीं सलमान खान बोल रहा है पीछे लेना हाथ क्यों आगे लेके जा रहे हैं वो समझ में चलो भाई इधर कर ले दे देना ए रुक ना रे उन देना लंबा मत जान देना मत जान देना बोल व्यूज ही व्यूज है आज तो भाई थैंक यू सो मच गाइस अब तो भाई बातें बाद में अंदर कर ले देना अरे ऑडियो नहीं आ रहा है अंदर ना भाई अंदर हाँ वही आज क्या बन आज सब दे दो बैठे भाई जल्दी सब ट्रैकपोर्ट पे आ जाओ अमर सर ये ट्रैकपोर्ट पे आओ ट्रैकपोर्ट पे जा रहे अमर जबल से जल्दी ने ट्रैकपोर्ट भाई भाई आराम से अंदर आराम से एक मिनट भाई सामने से अमर लिया भाई ये डाल देना क्या जगह मिलेगा हाथ को काट दे अरे छोड़ ना बाहर लिया ना कितना नहीं डाल ए आंदो आंदो पीछे आंदो साधा पीछे पैसू के पैसू के डैड अरे पास चल पीछे ना चलो पीछे पास पीछे आओ साथ में पीछे बाद लो यार सब मेरे ट्रांसपोर्ट में भाई आप देख हमारे यार सबको पीछे करना है यार पीछे ना भाई पास चल पैसू भाई राइट में राइट में राइट में राइट में पैसू भाई राइट में इस बार राइट प्लीज सर यहां पे देखिए यहां पे यहां पे राजीव सर भी अरे अरे राजीव भाई आए हमेशा की तरह राजीव भाई बोल रहा है कोई बात नहीं सेंटर सेंटर तो मैं तुमसे पहले आ रहा हूँ सर यहाँ पे देखिए सब लोग यहाँ पे आई ना जरा पार्टी हो ना पार्टी बहुत बढ़िया है अरे हाँ आगे चले जा मुंह पे डाल दे फोन आ रहा थोड़ा पीछे ले भाई किशन थोड़ा पीछे ले मोबाइल अरे किशन क्या कर रहे रे कैमरे से मत डालो अरे एक मिनट
बर्थडे का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा हुआ है, जो मॉर्निंग का सेलिब्रेशन था वो मेरे लिए बेस्ट था, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल करता हूँ और बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मल ऐसे डे टू डे लाइफ में भी मैं मिलने जाता हूँ, बट मेरा एक ये कन्फर्म है कि मैं अगर मेरे बर्थडे वाले दिन अगर सुबह वहाँ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ बर्थडे की शुरुआत भी अच्छी हुई है और फिर दिन भी अच्छा होगा और रात भी अच्छी जाएगी। ओके, आज फर्स्ट टाइम पापा को इंडिया के सामने लाया, तो क्या कहते हैं आप, आज आप इतने बड़े स्टार बन चुके हैं, तो फैमिली क्या कहती है उनके बारे में, आपके बारे में? फैमिली मेरे बारे में बहुत कुछ कहती है कि अभी वो फैसला नहीं रहा, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के, क्योंकि जो भी है बहुत अच्छा है, पॉजिटिव फीडबैक है और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को कि मैं कुछ लोग बोल रहे हैं और मेरी फैमिली बोल रही है, तो बस मैं यही है कि जो लोग जितने भी एक्सपेक्टेशन रखे थे कि ऐसा कुछ होगा आगे चल के वो हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। झलक में भी बहुत अच्छी तरह से आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 27 मार्क्स लास्ट टाइम है हमारे मैम, बहुत खुश हुई 99 है, मतलब बहुत अच्छी तरह से आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, नॉन डांसर से डांसर आप बनते जा रहे हैं, तो आप बेहतरीन एक एक स्टेप लेते जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो जर्नी है ना मेरी, ये थोड़ी सी खतरों से ज़्यादा भारी पड़ रही है मुझे, क्योंकि एज अ रॉन डांसर मतलब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और अपना 100% दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ आसान तो नहीं होती है, बट ये है कि अगर उस चीज़ को दिल लगा के अगर सीखा जाए और अपना पूरा पूरा टाइम दिया जाए, अच्छे से उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया जाए, तो ज़्यादा दूर नहीं होती है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं डांस कर सकता हूँ और अच्छा भी करूँगा मैं आगे चल के, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नॉन डांसर मतलब अभी सही से मेरे को देखा जाएगा तो डेढ़ महीना भी नहीं हुआ है शो में, बट जजेस के फीडबैक से और बाकी सारी चीज़ों से, हमारे कंटेस्टेंट जो है उन लोगों के फीडबैक से मुझे ऐसा है मतलब खुद में एक्सपेक्ट हो रहा है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ और अच्छा था और हाँ मतलब 12 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस तो हो रही है और प्रैक्टिस जो है मतलब कभी कभी 12 घंटे से ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारा जो एक्ट है वो कभी कभी टेक्निकल पे भी वेस्ट होता है, तो अभी लास्ट एक्ट जो था हमारा वो डिस्प्ले का था, आपको डिस्प्ले भाई थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, पीछे आओ, पीछे आओ सर, यहाँ होल्ड कीजिए बेटा, सर यहाँ पे देखिए, मार मार सर, सर यहाँ पे देखना सर, अभी कोई ऑनली फोटो हो रहा है यहाँ पे, बाकी सब वीडियो ले रहे सर यहाँ पे हो गया, वेट वेट बेटा लुक दीजिए सर, इधर भाई इधर और भाई सामने देखिए ना, मुंह और फोटो लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो क्या कर रहे हैं, होश में काम नहीं करते यार, अरे पीछे हो ना, अरे जूम तो करो तुम लोग, चलो स्टार्ट, अरे पीछे ना, चलो स्टार्ट स्टार्ट, पीछे करना पीछे करना, ए पीछे ना रे, रेडी हमारा राइटर बोला फर्स्ट बीट टू सी यू, क्या कहना चाहोगे दोस्तों का बर्थडे, इतनी खुशी होती है क्या, कुछ प्लान है क्या, बात हो प्लान करके भी यार, बट बहुत खुशी है भाई, कैमरा लोग दिला और बहुत अच्छा कर रहा है, कुछ वक्त से बहुत ही अच्छा कर रहा है, टीवी तो रूल ही कर रहा है, यस, और मिलने का प्लान बनता था हमारा, बट काम इतना है दोनों के पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल नहीं पाया, लेकिन बर्थडे था आने के बाद भेजा तो मैंने बोला आना पड़ेगा। एंड मनोहर मैं बात करूँ झलक की, उनकी काफ़ी अच्छी जर्नी रही है, आपने देखी? मैं देख रहा हूँ, मैं उसका हर परफॉर्मेंस देख रहा हूँ और मैं झलक पूरा शो उसी की वजह से देख रहा हूँ, यस, बट मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है सभी। इसके अलावा मनोहर बिग बॉस में आपको नहीं देखा तो काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हुए, काफी आपने इंस्टाग्राम पे देख रहे थे आप, कमेंट सेक्शन देख रहे थे, मैं बट उससे पहले जस्ट वेरी फास्ट थे, तभी मैंने बोला था कि मैं नहीं जा रहा हूँ, बट मनोहर क्यों, कोई बड़ा रीजन था, हमें पता है आपको कॉल आया रहेगा, कुछ बड़ा रीजन रहेगा, बड़ा कोई रीजन नहीं, क्योंकि लॉकअप आपने राज किया उस पर,
एंड देन देखते हैं नेक्स्ट ईयर। और इसके अलावा के लिए मुझे लगता है बहुत सारा रियलिटी हो जाएगा, मतलब आप इन दे रहे हो लग रहा है बिग बॉस में आने की। नहीं नहीं, इसके अलावा बिग बॉस कितना फॉलो कर पा रहे हो आप? बिग बॉस देख रहा हूँ, प्रॉपरली देख रहा हूँ, लाइव नहीं देख पा रहा बट एपिसोड देख रहा हूँ। और फेसबुक की मैं बात करूँ फिर से, कोई ऐसी बातें जो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो? बहुत बहुत अच्छा है, रियल है। और मैं उसको टिकटॉक के टाइम से, मैं टिकटॉक के टाइम से टिकटॉक में इसको फॉलो नहीं करता था, बट फेसबुक वन ऑफ देम के लिए फॉलो करता था। बट मुझे पसंद है, लड़का ही पसंद है, और जब भी हम मिले तो वो ऐसा फील आया, हम तीन चार बार मिले और एवरी टाइम ये फील आया कि भाई अपना अपना भाई जैसे। मुनावर फैंस की मैं बात करूं, फैन थोड़ा पीछे ना रे, लड़ते हैं आपको पता ही रहेगा, आपके फैंस भी काफी लड़ते हैं आपके लिए। एमसी स्टैंड के फैंस काफी लड़ रहे हैं, काफी गाली गलौज हो रही है जिसके साथ उन लोगों की फाइट हुई। आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या ये सही है फैंस? सही तो बिल्कुल नहीं है, बट वो यंग हो गया, उनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे डिफेंड करें उनके स्टार को या कुछ भी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, इससे पहले मैं बोलूँ मैंने कि किसी का फैन बनने के लिए किसी का हेटर बनने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्टार को सपोर्ट करो थ्रू आउट, बट किसी को गाली मत दीजिए बस। सर मुनावर अभी आपने हाल ही में सोशल मीडिया को ट्वीट किया, उसके बारे में बता दो। इसके लिए थोड़ा सुकून चाहिए, थोड़ा काम में थोड़ा ध्यान देने के लिए, बट सॉन्ग्स को जरा मैं देख रहा हूँ, आपके जो काफी दोस्त है अंजलि हो जाए बैक टू बैक सॉन्ग्स के लिए, बट आप से पसंद होगा और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बैक टू बैक गाने करते हैं। मेरा यही है कि यार गाना पसंद आना चाहिए मुझे, गाना जब तक पसंद नहीं आएगा, हल्की सी बरसात 70 मिलियन हो गया तो जब गाना जब तक पसंद नहीं आएगा मैं गाना नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ऑडियंस को टेकिंग फॉर ग्रांटेड हो जाएगा अगर मैं सारे ही गाने कर रहे हैं जस्ट बिकॉज अभी पॉपुलरिटी है, तो उस वजह से नहीं कर रहा हूँ। जब तक गाना पसंद नहीं आएगा मैं नहीं कर रहा हूँ। और उसके अलावा भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, आपको फ्राइडे को एक बैंड मैन रिलीज हो रहा है मेरा वीडियो 2 दिन के बाद, तो वो भी देखने मिलेगा। तो उसका हम लोगों ने 1 महीने का काम किया, तो कंटेंट बना रहा हूँ मैं लाइक, तो उस वजह से टाइम जा रहा, तो सिर्फ गाने नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू भाई। फैमिली आ जाइए ना, पूरी फैमिली। अरे हो गया भाई, हो गया। चलो फैमिली आ गई, फैमिली पूरी फैमिली। ए पीछे आ जाना, पीछे आ जाना। मैम पीछे ना, रुक जाना। मैम मैं फैमिली के ए आना, हो गया ना तेरा। चलिए पूरी फैमिली, कम कम ले, कम एक साथ पूरी फैमिली अंदर, फैमिली पहले आए नहीं ना कभी। कहाँ से आ गए हैं? साथ में आइए। हाँ बहुत दिनों के बाद। सब ये कैमरा गुड 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 अनिल दादा, अरे विजुअल ऑन दे, विजुअल ऑन वीडियो हो जाएगा। अरे गिर गया, सब ये कैमरा डन दादा। अनिल दादा आ जाओ फोटो के लिए, आ जाओ, हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। रुकिए मैम, बाइक के लिए जल्दी टेबल अगला अपने तरफ ले कैमरा।
जन्नत जी सोलो आपका एक सोलो सादा पंजाबी फिल्म कब आ गया 11 नवंबर फिर अगला तू बहुत आगे गया कितने टाइम पहले डाला था भूला भूला प्रमोशन बता देना इसको इसको बता देना चल चल आगे आपको भी आना बाहर ये प्रमोशन पे कौन कौन आएगा सब आएगा सब आएगा सर नहीं आएगा जा नहीं जा बुला होगा नहीं नहीं किधर किधर जा आपको मेड स्टूडियो और कहाँ वही मिलते हैं जन्नत जी अगर नहीं किया पाए यहीं से करना तो नहीं कर पक्का पक्का प्योर जी जी थैंक यू सो मच ये जाने दे हिफाजत फादत जन्नत जी एक बार लेफ्ट में मैम मैम अरे पीछे यार कैसा जानवर है यही काफी है भाई चलो कैमरा अरे क्या हो रहा है अरे शादा भटना सामने से बाइट कर एक मिनट थोड़ा आगे जाना लेडी बॉस बॉस लेडी बॉस लेडी बॉस लेडी क्या बात है झलक दिखला जा ए हां जी और कुछ बचा ओके सबसे पहले मैम क्या कहना चाहोगे रुक जा रुक जा आपका जन्मदिन है एंड यू हैव वेरी यस आई एम वेरी स्पेशल चल बॉन्ड बॉन्ड विद बहुत ही हार्ड वर्किंग सिंसियर और एक्सट्रीमली डिवोटेड आर्टिस्ट कम ऑफ कोर्स स्टार्टिंग हिज जर्नी एज एन इन्फ्लुएंसर एंड ही इज एन अमेजिंग अमेजिंग बॉय एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड मैम साउथ अफ्रीका में आप काफ़ी क्लोज भी आपने देखा रहेगा कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहोगे फैजू के बारे में फैजू काफ़ी शाय वो पहली इंटरेक्शन या पहली कॉन्वर्सेशन से ही शेयर नहीं करता है कैरिंग है और जब भी उसे वक्त लगता है तो हमारे साथ पहुँचता है और सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि वो कभी भी अपने सक्सेस को शोल्डर्स पे रखता है सबके लिए रखता है एंड आई थिंक दैट क्वालिटी ऑफ हिम बीइंग वेरी डाउन टू अर्थ इज समथिंग वेरी एंटरप्राइजिंग और दैट्स द रीजन ही इज शाइनिंग इन सो मेनी डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ हिज लाइफ I wish that he remains the same. So I want that to grow and grow in his And Jalak mein bhi humne dekha काफी आप भी काफी कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हो Jalak mein उसके बारे में how your journey going in Jalak house? My journey is going fantastic. I'm enjoying the process of learning new forms and the whole idea of dancing to different styles is something that I'm really achieving and understanding for me.
myself, of course. I'm a good dancer. Yes, not yes, that, yes. Not that great, but I'm learning the process and I'm enjoying it. No, ma'am, you are doing really well. Madam ji, wild card nahi tha, jo wild card nahi hai, isliye zyada. Do wild card se main ji. I am extremely happy to have Vishal and Shriti. Hamari kaafi achhi camaraderie rahi hai khatron ke khiladi mein aur ab wapas aa gaye hain to celebrate dosti ka mahol hai fir se jo hai chhilak par bhi aapko dekhne ko milega. So mere liye competition is never a competition, it is a healthy spirit of where we all enjoy each other's game and with warm heart and open heart, you know, open arms are in there for some Ishaan and Sriti. Really looking forward to it. Okay, golden chair kab milne wala hai? Golden chair kab milne wala hai aapko? Golden chair jab hamari janta chahegi tab hum golden chair. Rubina ji, kya aapko lag raha hai? Ma'am, idhar se idhar se idhar se. मैम फॉर द विजुअल्स प्लीज. रुबीना जी ये किशन कह रहा है. अरे साइड में कुछ ले गया दूसरी. थैंक यू मैडम. यहां से आ गया ले उसे. अच्छा वो तो है ना पास ऑफ हो रहा है वार्म अप हो रहा है. मैडम जी बाय 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 बाय. बच्ची कैमरा क्यों आगे लेकर बच्ची कैमरा पीछे लेना. रोशनी बैठ इधर ही जाओ. इधर 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 इधर. चलो अंदर कर दे. चलो 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 चल चल. यार क्या धक्का दे रहे यार सब लोगों को. एक सेट रोहित वालों पीछे वालों थोड़ा ये रोहित आने पीछे लेफ्ट में ही ना थोड़ा ये आपके लेफ्ट में फुल लेफ्ट वशी जी लेफ्ट यो मैम ये कैमरा वेट वेट रुकेगा मैम यहाँ पर Look here straight, straight yeah, here. आइए मैम. हाँ हो गया. वेट वेट फोटो लेना. अरे फोटो अभी हाथ में पीछे को. बेटा मैम ये रुक गया. रुके रुके फोटो फोटो देखते हैं कब में क्या कर रहे थे बेटा. ये मेरा मेरा था. मेरा भी नहीं ये वही था. थैंक यू. चलो बाय. चलो
क्या कहना चाहोगे साउथ अफ्रीका में फ्रेंड्स का बर्थडे आ रहा है? पीछे थोड़ा लेफ्ट में पीछे के लेफ्ट में यहां मुंबई आकर और भी अच्छा दोस्त बन गया है। आई एम ग्लैड कि मैं उसके बर्थडे का हिस्सा हूं। हैप्पी 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 बर्थडे फैजू। फैजू इज वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट ह्यूमन और बड़े प्यार से उसने इनवाइट किया है तो आई डिड नॉट वांट टू आस्क समथिंग। एक चल आगे जा रहा है पीछे आना है। फैजू के बारे में जो मैंने केप टाउन में नोटिस करा है वो बहुत ही डेडिकेटेड और हार्डवर्किंग इंसान है और झलक पर उसकी झलक और भी ज़्यादा नज़र आ रही है कि वो कितना हार्डवर्किंग है और कितना फोकस्ड है। सो आई जस्ट वांट टू विश द बेस्ट बेस्ट फॉर हिम और भगवान करे कि उसकी सारी मनोकामनाएं। काफ़ी रेयरली उन्होंने कोई ऐसा स्टंट अबॉर्ड किया था। मैंने आई डोंट थिंक मैंने देखा रहेगा बट आप कुछ बताना चाहो किस तरह से परफॉर्म कर कुछ प्रिपरेशन करते थे आपसे कुछ बातचीत करते थे ड्यूरिंग द फैजू हमेशा बस यही कहता था कि मुझे करना है और मैं करूँगा। तो जब वो इंसान ये सोचता है कि वो चीज़ उसे करनी है ठान लेता है तो काफी चर्चा हो रही है कुछ कमेंट। आई ऑलवेज से नेवर पर फॉर नाउ आई एम नॉट गोइंग बैक टू अनुपमा। बस प्रे कीजिए कि कुछ नया करूँगा जल्द। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ से बस सर यही जा और आगे जा अंदर आ जाइए। टू योर राइट सर यहाँ पर सर ये कैमरा कम क्लोजर सर ये कैमरा धीरे ईशान भाई बढ़िया फर्स्टली सर जीतने के लिए क्या कहना चाहते थे आप? इंटरव्यू मैंने आपको फर्स्ट टाइम लिया था आपको मैंने पहले ही कह दिया यू आर द विनर ऑफ पीछे ना सर थोड़ा पीछे तो क्या कहना चाहिए इतना प्यार मिला आपको प्यार नहीं भाई मैंने इंटरव्यू किया था तुषार लेकिन फैजू ने आपको काफी टफ कंपटीशन दिया फैजू और जन्नत हो क्या कहना चाहोगे इसके लिए? फैजू जन्नत की बात तो छोड़ो बाकी सबने बहुत पसंद किया है सभी बहुत अच्छे थे लेकिन पर्टिकुलरली आई थिंक फैजू और जन्नत बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे।
सर आप क्या कहना चाहोगे, आज आपने भी डांस परफॉर्मेंस दिया झलक में और जानकारी आ रही है कि 30 में से 30 मिला है आपको, क्या कहना चाहोगे? थोड़ा सा कुछ कैसे ऊपर जाएगी तो, लेकिन मैं कहूँगा यस, मैं झलक में ऐसे वाइन कर आया हूँ और कल हमारा शूट था और बहुत बहुत मज़ा आया, कुछ मचाया, बहुत अच्छा मचाया, एंड आई एम श्योर जो ऑडियंस देखेगी और तो उनको पसंद आएगा, प्लीज़ वो झलक बहुत एंटरटेनिंग, बहुत मस्त शो है और हमारे बाजू में जज खड़े हैं और मेरे बहुत प्यारा दोस्त भी है, लेकिन हर शो की मेरी एक अलग जर्नी है, तो अभी झलक की एज वाइन कार्ड शुरू हुई है, बट डेफिनेटली जैसे मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि आई विल ऑलवेज एंटरटेन, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा और सबको एंटरटेन। इसके अलावा बिग बॉस भी चल रहा है, साथ ही साथ आप लोग फॉलो कर पा रहे हो बिग बॉस को? यार अभी स्टार्ट ही हुआ थी, अभी मेरा फॉलो तो नहीं, मैंने तो लॉन्च की कोरियोग्राफी की बिग बॉस की, तो मैं तो जानता था कौन कौन घर के अंदर जा रहा है, बट जितना मैं सबसे मिला हूँ मैं, क्योंकि मैंने उनकी परफॉर्मेंसेस कोरियोग्राफ करे, सब में है कुछ अच्छी बात है, बट अभी तो बहुत शो अभी शुरू हुआ है, असली रंग तो सबके बाद में आएंगे। ये स्मृति झलक में जा गई तो झलक में ना बिग बॉस होने वाला है, मैंने जाके शुरू कर दिया, बट फैजू की मैं बात करूं, फैजू को आप लोग काफी क्लोजली देखा आप लोगों ने, कोई ऐसी बातें जो काफी अच्छी साउथ अफ्रीका में कोई ऐसी यादें आप लोग ने कोई करें? आई थिंक फैजू को मैं खतरों से पहले जानता रहता, कभी मिले नहीं हम लोग, ये सुना है उसके बारे में, काम को जानते नहीं, कभी ऐसे इंटरेक्शन नहीं हुआ था, आई थिंक एक बात जो मैं बोलना चाहूँगा, दिल का बहुत सच्चा, जो भी उसके दिल में रहता है वो बोलते थे, कई लोग होते हैं कि अपने दिल में रख लेते हैं नहीं बोलते हैं और सीधे साधे, वो बहुत सीधा लड़का है और दिल का बहुत साफ है, तो उसके आई थिंक वो बात मुझे बोलते हैं। निशान आप कुछ बताना चाहोगे? मैं भी फैजू को पहले नहीं जानता था, मैं भी उसको खतरों के खिलाड़ी पे मिला, लेकिन उसके सारे में रील्स और टिकटॉक और वो सारी चीज़ें देखता था, बहुत अच्छा लगता था मुझे, बट एज अ पर्सन फैजू बहुत चिल बंदा है, मतलब उसको बहुत, उसका जो ड्राइव है काम की तरफ वो मुझे पसंद है, बहुत हैप्पी गो लकी है, मतलब काम पे फोकस है, कुछ एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग चीज़ें नहीं है उसकी, फ्रेंड्स हैं उसके, मस्ती करता है, मतलब जो परफेक्ट एक होता ना, काम करो चिल करो खुश रहो, उस जोन में है फैजू, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वो बहुत लोगों को पसंद आता है, हमको भी पसंद है, हमारा भी बहुत अच्छा दोस्त। निशान इसके अलावा आपके दो मित्र की काफ़ी चर्चा हो रही है मार्केट में, मैं कौन से मार्केट में, तेजस्वी मार्केट में, तेजस्वी एंड करण की बात कर रहा हूँ, शादी की चर्चा काफी हो रही है, आप कुछ बताना चाहोगे इस चर्चा के बाजार में कुछ आग लगा तो, बट फैजू के बर्थडे से इसका क्या लेना है? एग्जैक्टली कुछ आप, आपके दोनों काज मेरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट ऐसी चीजें आई थिंक वो उनके ही मुंह से जब वो लोग बताएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, बट मैं एक चीज मैं ही क्या, उनके सारे जितने भी दोस्त हैं उनके जो भी काम करते हैं या जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, हम हमेशा, हमारा सपोर्ट होता है उनके साथ, तो हमेशा वो लोग जो भी करें हम सबका सपोर्ट हमेशा रहेगा उनके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टू बताओ ये आना, ये सर ये पीछे ना, मेरे भाई का बर्थडे है, मेरे भाई का बर्थडे है, क्या बात है, बड़ा वाले भाई आ आगे भाई, हम सब लड़कियों को जोड़ के साथ भाई ये विशाल चलेगा, ये चलेगा, अरे ये तुम लोग का इधर प्रतीक सर आ गए, बस और ये घर पे ले लो, इधर आ जाए, चलो चलो जिंदगी में छोट माशाल्लाह हमेशा जिंदगी मुझे लगता है बहुत आगे बढ़ गया, बहुत बढ़ रहा है, और माँ बाप की दुआ है, चाहने वालों की दुआ है, हम सब भाइयों की दुआ है, बहन तो कोई है नहीं, तो बाकी सारी लड़कियों की दुआ है, सबकी दुआ है, अच्छी दुआ है, और बहुत नेक दिल का इंसान है, तो नेक दिल वाले लोग जो है वो हमेशा आगे। नागिन में आप काफ़ी धमाल मचा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, काफ़ी प्यार मिल रहा है आपको? बस आप प्यार देते रहो, धमाल मचाते रहेंगे, हो गया जर्नलिस्ट का किरदार करके कैसा लगता है? मज़ा आता है यार, वो चीज़ मैं देखता हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ, तो उससे पहले मैं यूट्यूब पर देखता हूँ कि कौन कैसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस लहजे से बात कर रहे हैं, और फिर सावधान रहिए, सतर्क रहिए, रहिए ना। कोई कोई ऐसे जर्नलिस्ट से इंस्पायर्ड हुए क्या? हमने देखा आप जर्नलिस्ट का किरदार, इंस्पिरेशन तो बहुत लोग हैं, बट इंस्पिरेशन
के लिए बहुत लोग हैं एक्चुअली, बट वही है कि उसको कॉपी नहीं करना, इंस्पायर होना बस, थोड़ा 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 सबसे लेके अल्टीमेटली जो हम है वही है। प्रतीक, गाना भी काफ़ी सुपर डुपर हिट हुआ, सुनने में आ रहा है और एक गाना आने वाला है, कुछ बता दीजिए कब आने वाला है, फैंस वेट कर रहे हैं। आने वाले तो बहुत गाने हैं, ये मेरी पहले शूट करने हैं। कोई कोई ऐसा जो शूट हो चुका एक तो है जो होने वाला है, अभी आने वाला है उसकी आप लोगों ने झांकियाँ झांकियाँ भी देखेंगे, तो वो आने वाला जल्दी बट पता नहीं कब अरे कुंजन जी इधर है क्या? थैंक यू ये गाना बंद होने का कॉपीराइट आएगा। अच्छी तेरा कैमरा तेरे तरफ लेगा ना तो भी जूम हो जाएगा, मालूम है तेरे को? अरे वाइट चाहिए तो और वो कर। आदान भाई कैसे हो? भाई आपकी दुआ है। अच्छे दिख रहे हो भाई। सद्दाम ब्रो, अदनान भाई यहाँ पर। वेट 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 वेट, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। अदनान भाई एक साथ में करते, इधर 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 देखो, विरल भी आने की इधर इधर अदनान भाई, अदनान भाई के साथ। अरे गाड़ी आने तो आने तो दे, आने तो दे भाई भाई भाई, अदनान भाई के साथ। गिर गया, गिर गया, इधर ही रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ, रुक जाओ। राइट आने जाना भाई, कैसे हो? गुड गुड गुड, आप कैसे? भाई साथ में करें, साथ में सद्दू, इधर इधर ही सद्दू। बाय बाय, विजुअल कर लेते, पहले सोलो ले लो, सोलो ले लो। बच्ची कैमरा कैमरा लेना, फोटोग्राफी जूम करना बच्ची, क्या कर रहे हो? तो वो वाइड चाहिए तो बच्चे से लेना। पीछे 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 फोटो कर दे सर, यहाँ पे देखिए बेटा, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाइए सर, यहाँ पे देखिए, लुक सेंटर सेंटर, वेट वेट भाई, ये कैमरा One more sentence. Excuse me, look here. काफी अच्छे दिख रहे हो, और दोस्त का बर्थडे हमने देखा है उस जर्नी के बारे में, आप लोग हमेशा फैजू के साथ रहते हो, क्या आज फैजू इज रॉकिंग, इज डूइंग सच ग्रेट थिंग, बता दीजिए। हालत में बहुत खुशी हो रही है, और उसने फर्स्ट स्टेप दफा खतरों के खिलाड़ी में टी वी में, उसके बाद बैक टू बैक अभी दूसरा भी शो बहुत ही अच्छा कर रहा है। वो इधर अच्छा डांसर नहीं था, पर अभी वो प्रूव कर दे रहा है कि वो जो भी करता है वो अपना बेस्ट करता है, और yes. अब वो डांसर भी कहलाएगा। सो बेस्ट विशेज हम लोग की तो हमेशा साथ में रहेगी, और अल्लाह उसको और काम करेगा। एंड कितनी खुशी होती है, झलक में भी मैं देख रहा था स्टार्टिंग में, उन्होंने एक बात की थी, हमारा टैलेंट सिर्फ वो 15 सेकेंड नहीं है, उससे ज़्यादा टैलेंट है, और मैं देखता हूँ आप लोग का जो भी ग्रुप है, आप लोग भी झलक गए थे। सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, मगर इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो सब दिखाएंगे अपना टैलेंट। आप कुछ बता दीजिए आपके अंदर क्या टैलेंट है? डांस तो देखो मुझे भी नहीं आता, अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा क्लास लगाऊंगा तो मैं भी कर सकता हूँ। आप एनी सॉन्ग कमिंग अप कोई कुछ पता ना? अभी तो फिलहाल तो मेरा कुछ नहीं आ रहा, मेरा एक छोटे भाई का एक गाना है जो मैं खुद ही देखता हूँ, बजाय बैंगर, ये अभी तक का मैं बताया नहीं था, फर्स्ट टाइम ऑफिशियली मैं अनाउंस कर रहा हूँ। उस गाने में मैं भी खुश हूँ, गाने का नाम बजाय बैंगर शूट हो गया, दुबई में शूट हुआ,
और इससे पहले ऐसा कुछ शूट नहीं हुआ है, तो बहुत ही अलग गाना कमर्शियल देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। कनिका अंदर आओ, आराम से आराम से। कनिका जी थोड़ा राइट में आके विजुअल्स के लिए वन स्टेप पीछे, वन स्टेप पीछे। कनिका जी, कनिका जी एक स्टेप पीछे जाइए ना प्लीज। बस बस, थैंक यू। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। मैं लेफ्ट में हूँ थोड़ा पहले। लो सर, अभी हैप्पी दशहरा बोलो। हैप्पी दशहरा आपको भी। दशहरा माता जी, हैप्पी बर्थडे मिस्टर फैजू, एंड आपके 30 मिलियन तो हो गए हैं, अब आगे आने वाले साल में 40-50 मिलियन जल्दी से। रुकिए रुकिए, मैम एक फोटो करते हो बेटा, क्या 50 मिलियन हो गए मैम। ये रुक गया कनिका जी, आप यहां पे रहिए वो, वेट वेट एक फोटो ले बेटा। मैम वन मोर मैम, थैंक यू। हमने पहले भी यार कनिका जी, फर्स्टली फैजू का बर्थडे का विशेष देना चाहूंगा। हैप्पी बर्थडे, बर्थडे पर अगले अभी तक के साल बहुत अच्छे रहे, आगे आने वाला साल उससे भी अच्छा हो, यही विश मैं दे सकती हूं। हमने देखा साउथ अफ्रीका में काफी आपने मस्ती की, काफी कुछ हुआ, कुछ बताना चाहोगे कोई ऐसी यादें? बहुत सारी थी, एंड हम लोग 50-55 दिन साथ में थे, तो बहुत सारी यादें, मैं एक एक बताने बैठूंगी तो बाकी सारी यादें उनका मान जाएंगी। तो या बहुत अमेजिंग टाइम था। आज फैजू का बर्थडे है, मैं बहुत खुश हूँ कि आज उसका सेलिब्रेट कर रहा हूँ। सबसे अच्छा दोस्त है मेरे, सबसे करीब दोस्त है मेरे, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। इतना चेक के खत्म में चले गए तो माइक्रो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा वो बहुत अच्छा इंसान है। और मैं चाहता हूँ भगवान को देखा जाता, मतलब मैं मानता हूँ कि आप जो चाहें उसको दे, कि वो बहुत काबिल इस बात है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत आगे तक जाएगा। बताओ जहाँ से वो आया, जहाँ से पहुँच के वो मैसेज ऊपर की वो अच्छा इंसान है, इसके लिए उसको हैप्पी बर्थडे ब्रो, बहुत आगे तक जाओ। थैंक यू सो मच राजीव भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप मेरे बर्थडे में इतनी जल्दी आए, आप सबसे पहले आगे। हमारा ये जो मेरी जर्नी थी, जैसे कि आपने अभी पूछा था खतरों के खिलाड़ी के बारे में, मेरी सबसे बेस्ट जर्नी थी इस बंदी के साथ में, और बंदी के साथ मतलब मैंने फुल और एक्शन मोड होता था हम लोगों का, स्टंट में भी और स्टंट के बाद में भी। मैं बाबा था हॉस्पिटल से शो इतने ज्यादा टिक्का एंड में उसने प्रॉक्सी किया मेरे लिए। अरे यार मैंने प्रॉक्सी किया तो मैं एक सर एक बैनर लगा रहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। जा हो सकता है कि राजीव भाई क्या वाइल्ड कार्ड है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं आप और सकते हैं, शो में हूँ तो इतना क्यूट लगा, वो इतना बहुत प्यार है, वो बहुत इंस्पायरिंग है। बहुत अच्छा इंसान है, मैं यही मेरी बात यही कि आगे तक जाए तो वो शो जीत सके, बहुत क्यूट इनोसेंट प्योर हो, वही लोग को जाना चाहिए। मुझे क्या पता देखो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, चार है टीम भी तो स्टार्ट है, चार है अभी तो शुरू है, चार पांच है, आप तो बहुत आगे तक चले गए भाई। जाना चाहिए, जाना चाहिए मुझे। और भाई सुनने में आया कि आपकी भी एंट्री होने वाली है सेकंड वीक में, आपकी तेजा जी की और करण जी। अरे अगले चल रही है, मेरे से कुछ नहीं है भाई, न्यूज चल रही है कि आप गाड़ी आए सेकंड वीक, कौन से न्यूज चल रही है, जरा जल्दी आ दी न्यूज चल रही है ठीक करण के बर्थडे के नेक्स्ट वीक आप
हंसने है ना, बस आ गए मन, एक कटिंग हो गया था, क्या हुआ क्या क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब हो गई डॉक्टर के पास गए कि नहीं? भाई थोड़ा राइट में आ जाइए विजुअल्स के लिए, बहुत बड़ी है, तो अच्छी दोस्ती है कि आप आ गए बर्थडे में, क्या कहना चाहोगे बर्थडे के दिन? हैप्पी बर्थडे मिस्टर फैसल, मे अल्लाह ब्लेस यू थ्रू योर हजार साल, और ऐसी चीज आते रहो, थोड़ा जल्दी से भूल जाओ इंशाल्लाह, और वैसे तो फैसल के साथ लाखों लोगों की दुआ है, वो आगे है बढ़ते हैं ऐसी। और क्या कहना चाहोगे, झलक में काफी धमाल मचा रहे फैसल सर, उस पर आप क्या कहना चाहोगे, आप लोगों ने भी धमाल मचाया था? गलत, बहुत बहुत मजा आई थी, बहुत अच्छा फैसल डांस कर रहे हैं, क्योंकि पहले उससे नहीं होता था इतना, बॉडी उसके एकदम टाइट रहती है, तो अभी इतना फ्लेक्स हो रहा है, अच्छा और अच्छा डांस भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह जीत भी सकते हैं। दोनों दोनों में काफ़ी अमेजिंग परफॉर्मेंस की थी, बट आपको क्या लगता है किस में सबसे ज़्यादा लग रहे हो, झलक में या फिर खतरों के खिलाड़ी में, क्या क्या लग रहा है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस? खतरों के खिलाड़ी का तो अलग ही था, वो खतरों से तो खेलती रहते थे, तो नॉर्मल रहती है, झलक एक डांस उसको इतना आता है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में मज़ा आ रही है। कितनी खुशी होती है कोई ऐसा अपना दोस्त इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच गए, अभी अच्छा कर रहे हैं, लोगों से काफ़ी प्यार मिलता है, सोशल मीडिया से आप लोगों को भी काफ़ी प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग मतलब जीरो से थोड़ा हीरो बन गए, जो बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है, उम्मीद बढ़ती है कि और लोग भी करें, हमारे सब दोस्त आगे जाए, सब आगे जाए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये हटना है, अरे यार बहुत गर्म है।